नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक बहुत ही अच्छा कमेंट आया मेरे पास कि आज मार्केट क्यों गिरा है, क्या बाजार आगे गिर सकता है, इस तरीके कुछ कमेंट्स हैं। मैं यहां पे इसी टॉपिक पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं और इंटरेस्टिंग ये है कि अगर आप नहीं भी कमेंट करते तो मैं इस पे वीडियो बनाता हूं, क्योंकि बस टाइटल शायद चेंज हो सकता था। इतना बड़ा आज आपने फ्लो देखा है कैश मार्केट में जो शायद आपने प्रीवियसली पिछले एक महीने में तो नहीं देखा। मैंने तो नहीं देखा, आपके साथ डाटा भी शेयर करा था मैंने एक वीडियो में, अभी फिर से एक बार रिकैप करेंगे। सबसे पहले मार्केट के लिए कल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट डे है। अब आप कहोगे भाई ऐसा क्या है, कल तो कोई इवेंट भी नहीं है। वो इसलिए कल है वीकली क्लोजिंग, और वीकली क्लोजिंग मैं मंडे से चिल्ला रहा हूं कि अगर 17,340 के नीचे हुई तो निफ्टी स्पॉट लेवल पे 50 और 20 SMA के नीचे क्लोजिंग देगा, और ये सितंबर अक्टूबर 2022 के बाद से फर्स्ट टाइम ऐसा होगा वीकली कैंडल आपकी 20 और 50 SMA के नीचे क्लोजिंग देगी, जिसके बाद आप डायरेक्ट अगर कोई नेक्स्ट सपोर्ट देखोगे या फिर लेवल देखोगे जहां पे लो लगा है वो आपके लिए 16,850 का है। तो ये एक मैंने सिनेरियो आपके साथ शेयर करा था। सबसे पहले मैं आपको जो इंटरेस्टिंग हुआ है वो बताना चाहूंगा, मार्केट को लेकर क्या मैं बियर इशू नहीं, मैंने भी 16,800 बोला, ये कंडीशनल है, ठीक है। सबसे पहले आज जो चीज हुई है वो ऐसे संकेत दे रही है कि कुछ बड़ा पॉजिटिव होने वाला है। क्या है वो चीज, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। दोस्तों आज के सेशन में FII DII इसका देखिए कैश मार्केट का डाटा आता है अभी मेरे पास, उसके बाद मॉर्निंग तक आपके लिए FNO में भी मैं शेयर कर देता हूँ FNO का डाटा, अपनी एप्लीकेशन पे भी आपके लिए डेली बेस पे कैश मार्केट का डाटा शेयर कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, अगर किसी ने डाउनलोड नहीं करी है जरूर कर लेना। उस पर हमारी तरफ से रिकमेंडेशन भी आती है, 6 स्टॉक्स मार्च मंथ के लिए रिकमेंड करें, 3 सुपर हिट हो गए हैं, 3 अभी तक वहीं के वहीं खड़े हैं, कोई इशू नहीं है। सबसे पहले आज FIIs जो कंटिन्यू बिकवाली कर रहे थे या फिर खरीद भी रहे थे किसी किसी दिन, कितना 500 करोड़ 1000 करोड़ 700 करोड़ 400 करोड़ 200 करोड़ ये हो रहा था। आज जिस हिसाब से बाजार में हाल था हमको आपको ये लग रहा था कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन ये क्या हुआ, आज FIIs ने 12,770 करोड़ की बाइंग करी है। जी हाँ, खरीदारी करी है फॉरनर्स ने, वो भी 12,700 करोड़ की। मैं आपको बताना चाहता हूं, एंड एक और चीज, DII भी खरीद कर गए हैं, और DII ने कितना खरीदा है वो भी सुन लीजिए, फिर आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। DII लगभग 2128 यानी 2128 करोड़ की बाइंग करके गए हैं, FIIs 12,770 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। अब आप सुनिए इंटरेस्टिंग डाटा, जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर करा, मुझे नहीं पता कब से ये इतना बड़ा नंबर आया ही नहीं है FIIs का। अब देखिए कल 4,500 करोड़ की बिकवाली आई थी कैश मार्केट में, लास्ट में देख पा रहा हूं यहां पे इतना बड़ा डाटा जो मेरे को अभी तक पूरे जनवरी 18 से, यानी कि ऑलमोस्ट मेरे पास एक महीने का डाटा हो गया जनवरी 18 से, तो अभी तक एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि 10,000 करोड़ से बड़ी बाइंग आई हो। इनफैक्ट बाइंग तो 5,000 करोड़ से बड़ी नहीं करी है FIIs ने, सेलिंग जरूर करी है वो भी बीच बीच में। आज ऐसा क्या हो गया भैया, 12,700 करोड़ की खरीदारी कर दी, बहुत बड़ा नंबर है। DII की कैश में बात करें कंटिन्यू बाइंग करी रहे हैं, और अभी उन्होंने आज भी लगभग 2100 करोड़ की बाइंग करी है। अब DII का टोटल मार्च मंथ में 1498 तो कल था, आज 2000 तो लगभग 1500 और 2200 आपका हो जाएगा, 15 और 22 37, तो 3700 करोड़ की इनकी हो गई, ठीक है। DII तो 3700 करोड़ की खरीदारी कर चुके हैं कैश मार्केट में। FIIs का देखें तो कल इन्होंने 424 करोड़ की बिकवाली करी है, जिसके सामने 12,700 करोड़ की, यानी नेट 12,300 करोड़ की बाइंग में बैठे हैं ये कैश मार्केट में मार्च में दो दिन के अंदर अंदर। बड़ा डाटा है दोस्तों, बड़ा डाटा। FNO की बात करें तो फ्यूचर्स में कल DII लगभग आपके लिए 1600 करोड़ की बाइंग करके गए हैं, और आज कैश में बाइंग करी है, तो लिटरली ये अपने आप में बड़े डाटा शो हो रहा है, लगता है कुछ बड़ा पॉजिटिव हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, ये बाजार गिर क्यों रहा है, ये गिर रहा है दोस्तों, ये जो फेड ने कमेंट्री करी थी ना, तब से सब लोगों ने अब ये सोच लिया है कि जो रेट हाइक्स हैं अभी होंगे। पहले 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक की उम्मीद थी, अभी 50 बेसिस पॉइंट की हो गई है, बस यही एक फर्क आया है। और अब ये सब नेगेटिव ऑलरेडी डिस्काउंटेड है मार्केट में, तो इस चीज को लेकर बाजार ज्यादा नहीं गिर सकते हैं, ये मुझे लगता है। अब यहां से आपको एक बढ़िया और बड़ी रैली मिल सकती है, मींस कि 200-300 पॉइंट्स की रिकवरी आ सकती है। अगर कल कोई बड़ा खराब डाटा ना आ जाए तो मुझे लगता है मार्केट डेफिनेटली
आउट परफॉर्म करने वाला है। ये मैं बड़ा सेंटेंस बोल रहा हूं, अगर कल भी डाटा अच्छा आया, देखिए एक दिन के डाटा से हम कंफर्मेशन नहीं पा सकते हैं, कल 4,500 करोड़ की बिकवाली हुई थी तब हम सोचते अगर नेगेटिव हो जाएगा तो आज 12,700 करोड़ की खरीदारी होगी भाई, तो एक दिन का नहीं, मुझे एक दिन और डाटा चाहिए, वो कल मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा, कल भी अगर बाइंग आई। और एक और चीज, FNO का डाटा भी आज रात तक आएगा तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्या पता फ्यूचर्स में बेच दिया हो, कैश में तो खरीदा पर फ्यूचर्स में बेच दिया, अगर ऐसा है तो फिर वो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन कल FNO में खरीद के गए, कैश में बेच के गए, आज कैश में तो खरीद लिया, क्या FNO में भी खरीदा है, ये देखने वाली बात होगी, बट डाटा डेफिनेटली पॉजिटिव दिख रहा है, तो मार्केट में ऐसा कोई नेगेटिव सेंटीमेंट्स ना बनाए, अभी ऐसा कुछ खराब नहीं है, जो खराब था वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, बट कल वीकली क्लोजिंग है, अगर ये नेगेटिव हुई तो फिर मुझे लगता है थोड़ा डर का माहौल जरूर बनना चाहिए। एक चीज, आज की गिरावट के पीछे का लॉजिक बड़ा रीजन ये था कि भाई जो वो कॉल राइटर्स थे ना वो इतने ज्यादा हैवी थे, एक एक दो दो करोड़ लोगों की पोजिशन बनी हुई थी, दो दो करोड़ लॉट्स में मैं बोलना चाहूंगा क्वांटिटी, यहां पे 17,400 मैंने मॉर्निंग में भी कहा था 17,400 जब तक पार ना हो मत जाना पोजीशन बाय में, वो दिख ही नहीं रहा भी, तो वही आज देखिए आप 17,400 मार्केट ने ब्रेक करा ही नहीं है, कुछ स्टार्टिंग को छोड़ दिया जाए तो गिरता ही चला गया कंटिन्यू, वही आज के सेशन में हमने देखा। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ में पसंद दोनों आई होगी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।